अच्छा आप ही बताइए कैसा लगता है जब आपसे एक भी टाइम खाना खाए बिना नहीं रह जा सके और आपको फास्ट रखना पड़े। चलिए फास्ट भी रख लिया है, साथ में आपको घर का सारा काम करना पड़े, बल्कि एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े। भाई मुझे तो बहुत भारी पड़ जाता है। अच्छा आज का जो ये व्लॉग है ना, ये है अवी अष्टमी का। फिर से मैंने वही पैन चढ़ा दिया है और इधर तैयारी करती है अब आलू की सब्ज़ी की। तो मैं आलू को छील रही हूँ और आलू छीलते छीलते जो टाइम मिलेगा मुझे बीच बीच में बाकी का काम भी कर लूँगी। अच्छा मुझे यहाँ पे याद आया है, मेरे पास रखा हुआ है सरसों का और पालक का बना हुआ साग, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। लेकिन इसको ना मैंने कल शाम में बनाया था और आज दिन भर मैंने खाना नहीं बनाया। बच्चों ने ऐसे समोसे वगैरह खा ले तो पेट भर गया था। अब मैं इसको ऐसे फेंक भी नहीं सकती थी। वैसे तो मैं इसको थाली में रखूँगी नहीं, बट इसको ना तड़का वड़का लगा के तैयार कर देती हूँ। थोड़ा सा घी या तेल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा मेथी और जो है सरसों के दाने डाल के थोड़ा सा हींग डाल के बस इसमें ना तड़का लगा दिया है। ये तो पहले से ही तैयार था, 5-7 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो इधर मेरा साग बन रहा है और इधर मैं आलू छील रही हूँ। चलिए ये हमारा साग भी बन के तैयार हो चुका है। मैं इसको थाली में रख के तो दूंगी नहीं जैसे कि मैंने पहले बताया, बट इसको हम घर में खाएंगे। इसका स्वाद ना बहुत टेस्टी लग रहा है, सासू माँ को बड़ा पसंद आ रहा था। वीडियो जैसे मैंने बाद में एडिट की है ना, तो मतलब खाना अहुई अष्टमी के 2-3 दिन के बाद मैंने ये वीडियो एडिट की है। और इस साग की बात बताऊँ ना, मेरी सासू माँ ने खाना खाने के बाद भी इस साग को खाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। चलिए इसको भी हमने खाली करते हैं एक बर्तन में और साइड में ना इसको सरका देते हैं ज़रा। यहाँ पे छीड़ छाड़ होना भी ज़रूरी है, नहीं तो मैं काम करती करती ना भटक जाऊँगी। और दूसरा आपके लिए वीडियो भी एडिट कर रही हूँ ना, कोई सपोर्ट करने वाला तो है नहीं, तो अकेले ही सब कुछ करना होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। खाना बनाने के लिए तो आधा पौना घंटे का काम था, पर वीडियो के चक्कर में 2-2.5 घंटे का काम हो जाता है। देखिए चावल भी हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, क्या मस्त चावल बने हैं, है ना बिना मेजरमेंट के। तो ये ना एक्सपीरियंस की बात होती है, जब बहुत टाइम हो जाता है ना किसी भी काम को करते करते, तो अच्छा खासा ना एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी काम को करने का। यहाँ पे मैंने आलू को भी अच्छे से मैश कर लिया और अब मैंने तैयारी कर दी है सब्जी बनाने की। तो आइटम देखें यहाँ पर कितने हो चुके हैं। अब लगभग में टाइम हो रहा है 5:15 बजे का, और जो मेरी बेटी है ना आज वो दोपहर की बात पढ़ के सो गई। तो आज हालांकि मैंने उनको डांट भी लगा दी है, जबकि मुझे उन्हें डांट नहीं लगानी चाहिए थी, तो मैं उसी को आवाज़ लगा रही थी जाल में। वो भगोना रख के इसमें तेल डाल दिया था और तेल डाल के ना इसको गर्म हो जाने दिया था। उसके बाद इसमें जीरा, थोड़ी सी सरसों, एक काली इलायची, थोड़ी सी लौंग, एक तेज़पत्ता और थोड़ी सी ना हरी मिर्च भी डाल देंगे और इस तड़के को ना अच्छे से चटका लेंगे जब तक ये हल्का हल्का सा ना ब्राउन नहीं हो जाता है। आप आलू की सब्ज़ी को ना एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, यकीन मानिए अगर घर में पनीर छोले कचौड़ी पकौड़ी बनी है ना, नहीं खाओगे इसी को खाओगे, बहुत टेस्टी लगती है। जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना उसको भी यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे अदरक टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो लहसुन प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट हमारे घर में तो लहसुन प्याज खाया नहीं जाता है। आपको मेरे चैनल पर सारी रेसिपी बिना लहसुन प्याज के ही मिलेंगी। उसके बाद हम अपने यहाँ पर बेसिक मसाले डालेंगे, वही अपना हल्दी नमक पिच और कुछ भी नहीं हमें यहाँ पे डालना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें और बस इसको ना अच्छे से भून लेते हैं। सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए मेन पॉइंट होता है मसाले का भून जाना। जब तक मसाले से ना जो हमने तेल वगैरह घी वगैरह डाला है वो रिलीज होकर ऊपर दिखाई नहीं देने लगता है, जब तक हमारे मसाले अच्छे से भूनते नहीं हैं। तो अच्छे से परफेक्टली भून लेते हैं ना, तो भून के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच के जितना कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी डालते के साथ ही पूरी सब्जी का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हलवाई के जैसी सब्जी बनेगी। अगर आपने कभी भंडारों में लंगर वगैरह में आलू की सब्जी खाई होगी ना तो बहुत टेस्टी लगती है, उसी तरीके की ये सब्जी बनेगी। और आज की सब्जी तो वैसे भी भोग के लिए बननी है ना, दूसरों के घर भी खाना जाएगा और जो है कान्हा जी के यहाँ भी, मतलब कान्हा जी भी खाना खाएंगे। जब अच्छे से भून जाए, इसमें तेल वगैरह रिलीज होकर ऊपर आने लगे ना, इसमें हमें आलू डाल देना है, फिर अपने हिसाब से पानी डाल देना है। वैसे आलू और टमाटर की सब्जी को ना हल्का सा तरीदारी बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना चाहिए, हल्की सी तरी रहेगी तो सब्जी खाने में ना टेस्टी लगती है बिल्कुल। इस तरीके की सब्ज़ी मैंने वृंदावन में खाई थी, जो टेस्ट मुझे आज तक भी याद है। यह सब्ज़ी भी इतनी टेस्टी लगी थी, तीसरे टाइम भी खाई थी जो बच गई थी। चलिए इसको अच्छे से हम कर देते हैं मिक्स। कंसिस्टेंसी को मैंने एडजस्ट कर लिया है जितनी मुझे चाहिए थी। तो चलिए यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, अभी तो बहुत काम रह रहा है और आपसे बातें भी करनी रह रही है बहुत सारी।
अच्छा आप मुझे बताइएगा साड़ी में कौन कौन काम इजी से कर लेता है। साड़ी बांधना मेरे लिए बहुत बड़ा महाभारत काम हो जाता है, और दूसरा काम भी करना ये तो थोड़ा सा मजबूरी है, व्रत भी रखा हुआ है, त्यौहार भी है और काम भी करनी है, तो उस वजह से साड़ी में ये हो पा रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब बारी आ जाती है यहाँ पर पूरियाँ बनाने की। आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल पूरियाँ। मैंने घर में बनाया हुआ था पनीर, पनीर का जो छीने वाला पानी बचता है ना मैं उसको उठा के रख लेती हूँ, तो उसमें आटा गूंथ लेती हूँ, मतलब जब तक वो रखा रहता है ना उसी में आटा गूंथती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें, बहुत हेल्दी होता है वो पानी। तो फ्रिज में रखा हुआ था ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो उसमें से मैंने जितना पानी मुझे चाहिए ना मैंने इतना इस लोटे में ले लिया, और बाकी का ना वापस से रख के आ जाती हूँ। अभी बहुत ठंडा था ना तो इसको हल्का सा गर्म करना है, मैंने इस भगोने के ऊपर ही रख दिया था, थोड़ा थोड़े मतलब गर्म होता रहेगा, हल्का सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा आटा गूंदने के लिए। बीच बीच में इसको उतार के मैंने सब्जी को एक दो बार चलाया भी है। सब्जी हमारी यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसको फाइनल टच दे दिया है हरा धनिया डाल के।